वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो अपडेट है, ये अपडेट है रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ICF चेन्नई के बारे में, जहाँ से आपके लिए जो छात्र दसवीं या फिर बारहवीं पास छात्र है वो आवेदन कर सकते हैं। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपडेट किया गया है नोटिफिकेशन, और ये ऑल इंडिया वैकेंसी अपडेट है, लेकिन अप्रेंटिसशिप है। देखिए, अप्रेंटिसशिप की नौकरी जो होती है वो परमानेंट नौकरी नहीं होती है, वो एक ट्रेनी बेस्ड जॉब होता है। यानी कि जब तक आप इसमें ट्रेंड होंगे, जब तक आप ट्रेंड होंगे तभी तक आपको यहाँ पे एज ए सैलरी स्टाइपन के तौर पे दिया जाएगा। तो इस बात से आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अब अगर वीडियो आपको देखना है और आवेदन करना है, और मैं कहूँगा आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रेलवे की किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप रेलवे के इस सेक्टर से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से ज़रूर कर लीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाके, ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से जाके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो इसका नोटिफिकेशन है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है हमने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, और यहाँ पे जो अपडेट दी गई है दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर, मैं आपको बता दूँ कि ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए अपडेट की गई है, जो कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये नोटिफिकेशन संख्या 1/2022 जारी किया गया। यानी कि 2022 का, जी हाँ, ICF की तरफ से ये पहला नोटिफिकेशन इस साल का है। यहाँ पे हर साल यहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए आपको नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है। 27 जून को इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को देखिए, और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। तमिलनाडु चेन्नई में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, जिसको लेकर यहाँ पे 26 जुलाई तक जो है आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यानी कि एक महीना यहाँ पे कंप्लीट आपको दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। ये इसका पोर्टल का लिंक है, यहीं इस PDF के माध्यम से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके पोर्टल पे चले जाएंगे, वहाँ से आप इसके लिए आवेदन भी कर सकेंगे। ओपनिंग डेट 27 जून से है और 26 जुलाई 2022 तक शाम के 5:30 बजे तक ये इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पे एप्लीकेशन का दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आवेदन कौन कौन से छात्र करेंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे, ये 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। प्लस चूंकि देखिए यहाँ पे ITI और नॉन ITI दोनों तरह के अप्रेंटिसशिप पोस्ट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही दिया गया है। तो अगर आप सिर्फ 10 पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया गया है, अप्रेंटिसशिप विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड, तो ये जो है ITI वाले छात्रों के लिए है, जिन्होंने अपने स्लॉट अवेलेबल है इनके लिए, और ये वेरियस ट्रेड को लेकर कम्युनल ब्रेकअप आर टेबलेटेड। यानी कि दिया गया है आपको कौन से कैटेगरी में, कौन से डिसिप्लिन में कितना सीट है, कैटेगरी वाइज आप यहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए है और ITI वाले छात्रों के लिए है। तो ITI जो है वो आप देख लेंगे, इतनी सीटें हैं आपके लिए, और जो फ्रेशर यानी कि 10th पास है और इन सभी ट्रेड में वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप आवेदन करेंगे। तो टोटल सीट यहाँ पे 276 है फ्रेशर्स के लिए, और एक्स ITI यानी कि जो ITI कर रखे हैं उनके लिए 600। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 826 पदों का ये टोटल यहाँ पे, 876 पदों का लगभग ये सीट जो है अलॉट यहाँ पे किया गया है, ठीक है, माफ करेंगे, यहाँ पे है जो कि किया गया है। तो ये इसके बारे में आपको मैंने सारी जानकारी यहाँ पे दी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट देखिए क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री रखें या डिप्लोमा डिग्री रखें वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर द गिवन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आर नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ट्रेनिंग बेस, मैंने आपको बोला भी कि अप्रेंटिसशिप की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो ट्रेनिंग पर्पस से आती है। क्योंकि यहाँ पे स्टाइपन मिलता है इसलिए इसको जॉब कहा जा रहा है या वैकेंसी कहा जा रहा है, बट ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपका, ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट मे कॉन्टेक्ट दिस नंबर, कोई भी आपको डाउट है इस नंबर पे क्लियर हो सकते हैं आप लोग फ़ोन करके, जो कि 9:30 से 5:30 बजे तक ओपन रहता है वीकडेज में।
ओके आगे चलते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी के ऊपर चर्चा हो रही थी यहाँ पे, तो जो पर्सनल डिसेबिलिटी में आते हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल रहा है इन सभी ट्रेड्स में आवेदन करने का। इस कैटेगरी में अब जो आते हैं छात्र आवेदन ज़रूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो कैटेगरी में छात्र हैं, जैसे कि लो विज़न की क्या क्राइटेरिया है, हियरिंग इम्पैक्टेंस के क्या क्राइटेरिया है, लोको मोटर डिसेबिलिटी की क्या यहाँ पे क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से मेंशन की गई है। ओके अब मेन फोकस करते हैं एज के ऊपर, चूंकि एज भी यहाँ पे फैक्टर है, क्योंकि वही छात्र इसको आवेदन करता है जो कि 10वीं पास होता है, और उसका एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है कि आप 15 से लेकर 24 साल तक के छात्र अगर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 26 जुलाई तक लास्ट डेट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो कैटेगरी OBC या फिर SC ST में आते हैं उनको एज फॉर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और 10 साल जो है PH कोटे वाले छात्रों को मिलता है। तो ये आपका एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि देखिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग पर्पस वैकेंसी है, तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो होगी आपकी 1 साल की होगी हर किसी में, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके फीटर इलेक्ट्रिशियन एंड द मैकेनिक्स की अगर बात करें तो आपके पास 10th का क्वालिफिकेशन डिग्री 50% के साथ होना चाहिए, उसमें आपको साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप अंडर 12th है, मतलब कि 12th में परसुइंग है, तो 12th सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट ऑल्सो पोजेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाई द NCVT। तो अगर आप यहाँ पे 12th कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन जो है रजिस्टर करना होगा खुद को यहाँ पे NCVT के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग होता है ये 1 साल का होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये कराया जाएगा 1 साल का ट्रेनिंग, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। देखिए आवेदन करना ज़रूरी है आपका, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जॉब लें तो रेलवे में इस तरह के क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है आगे चल के, ठीक है। कारपेंटर या पेंटर या वेल्डर के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनको भी 50% का मार्क्स होना चाहिए 10th में, या फिर अंडर 12th हैं तो आपके पास जो है NCVT का यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, और इसमें भी 1 ईयर का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होगा। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे। और फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो जो भी छात्र यहाँ पे हैं फीटर इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट के लिए फ्रेशर में आवेदन करेंगे तो उनका 10th में 50% होना चाहिए, और विद द साइंस एंड द मैथमेटिक्स अंडर द 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कि 12th परसुइंग है वो, तो साइंस में उनका परसुइंग होना चाहिए तभी वो आवेदन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट जो फ्रेशर्स होंगे उनको यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जो कारपेंटर और पेंटर के लिए करेंगे उनको भी 2 साल का, और जो वेल्डर के लिए आवेदन करेंगे उनको 1 साल 3 महीने का ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, 10th में आपका 50% और साइंस में अगर आप परसुइंग है 12th में तो आपको यहाँ पे मैथ और साइंस होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ आप 10+2 में ही परसुइंग है तो भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ भी आप 10+2 में परसुइंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, साइंस ज़रूरी नहीं है। ओके तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि हमने आपको यहाँ बताया, क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है स्टाइपन मिलता है, और ये जो है स्टाइपन कुछ इस तरह से, जो फ्रेशर्स होंगे और स्कूल पास आउट हैं क्लास 10 से तो 6,000 रुपये पर मंथ, फ्रेशर्स जो कि 12th में परसुइंग हैं या पास आउट हो चुके हैं 7,000 पर मंथ, और जो XITIN है तो उनके लिए ITI है तो यहाँ पे उनके लिए 7,000 पर मंथ ये अपडेट किया गया, बट उनके पास जो है स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए तो ये ध्यान रखेंगे तभी आपको ये सैलरी मिल पाएगी जो कि स्टाइपन है, ठीक है, स्टाइपन सैलरी है, और ये ड्यूरिंग आपके जो तब तक मिलेगा जब तक आपकी 1 साल का या 2 साल का जो कोर्स है कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ से हो गया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये पैरा नंबर 4 पे इसको मेंशन किया गया है, यहाँ से आप जो है ये लिंक जो दिया गया है इस लिंक के जरिए आप जाएंगे और यहाँ पे 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने में कुछ नहीं, आपसे आपका जो है नॉर्मल जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछा जाएगा, मांगा जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह, आपका पैन कार्ड वगैरह है ना, आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे डलवाया जाएगा, नंबर्स वगैरह जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई वी नीड लॉग ऑन द ICF वेब पोर्टल, तो आप इस लिंक से जाएंगे, यहाँ से भी आवेदन डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके रख लीजिएगा, कुछ साइज मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ID के लिए आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको भी आपको स्कैन करके रखना होगा।
फॉर्म को भरने का 100 रुपया फीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे 100 रुपये से आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको सारी डिटेल तो बता दी है, और उसके बाद आपका अगर ये एग्ज़ाम एक्चुअली ये जो मेरिट बेस पे होता है ये एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंसीडर अगर किया जाता है, चूँकि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th स्टैंडर्ड के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होता है, तो आपका अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपका फिर फिजिकल टेस्ट वगैरह भी कराया जाएगा और आपको अलॉट किया जाएगा आपका ट्रेड, ठीक है, तो उसी के आधार पे। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि यहाँ से मेंशन की गई है। फिर भी अगर देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके पास टीसी होना चाहिए आपके 10th का, 12th का और आईटीआई का, तो ये यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। और डिक्लेरेशन फॉर्म अभी कब से भरवाया जाएगा और उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ के इसको 100 रुपये में फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो ये सारी डिटेल है और ये कोई ऑफिशियल वैकेंसी अपडेट नहीं है, ये एक अप्रेंटिसशिप जॉब अपडेट है जो कि स्टाइपेंड के साथ आपको विद इन अ ट्रेनिंग आपको तब तक यहाँ पे सैलरी के रूप में मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।